वेलकम टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, मेरे जितने भी पोस्ट बेसिक के बच्चे हैं, साथ ही साथ बच्चों आपको बता दें मेरे एमएससी नर्सिंग के बच्चे हैं, बाबू आपको बता दें कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताया कि काउंसलिंग शेड्यूल पहले जारी हो ही चुकी थी। चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, एक एक गाइडलाइन भी आपको समझाएंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने क्या किया, यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद बाबू हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको पोस्ट बेसिक की सीट मैट्रिक्स देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट बेसिक में इन्होंने कितनी सरकारी कॉलेज इन्होंने इस बार डाला है। आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल सर समझाइए इस बार कि कितने सरकारी कॉलेज इन्होंने डाला है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, इन्होंने एक ही गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट बेसिक में डाला है, जो बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी है। इनको हर एक कॉलेज में इनको आपको पोस्ट बेसिक डालना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे एमएससी नर्सिंग में इन्होंने बहुत सारे कॉलेज में दिया, देख रहे हो यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएसबीएम, यहाँ पे आपकी मात्र कितनी सीट है, आप लोग बोलोगे सर 50 सीट है, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी सीट, आपको मात्र 50 सीट है, यू आर की आपकी 21 सीट है और बाकी आप लोग समझ सकते हो अदर कैटेगरी की सीट है। उसके अलावा जितने भी सारे कॉलेज हैं आपको सब प्राइवेट है, अलीगढ़, अंबेडकर नगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपेक्स हो गया, अवध हो गया, बहुत सारे बोरा हो गए, ये सारे के सारे आपको प्राइवेट मिल जाएंगे। प्राइवेट में भी बहुत सारे टॉप टॉप कॉलेज होते हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट में भी मात्र आपकी एक कानपुर की जीएसबीएम है, ठीक है ना। इस बार की जो कट ऑफ है आपको थोड़ा आपकी हाई जाने वाली है। चलिए तो ये बात हम आपको सिर्फ पोस्ट बेसिक के बता दें। चलिए अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, अगर हम आपको एमएससी नर्सिंग का, ओके बच्चों, तो अगर आपको एमएससी नर्सिंग का कोर्सेज अगर आपको बताने की कोशिश करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएलआरएम मेरठ में जो आपको कितनी सीट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ की 5 है, ठीक है ना, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपकी यहाँ पे मेरठ में। फिर यहाँ पे आपको मेडिकल सर्जिकल की 2 है, एलएलआरएम मेरठ में ही आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल क्रिटिकल केयर नर्सिंग का आपको यहाँ पे 3 है, ऐसा ऐसा कर करके आपकी इस बार की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज। आप लोग एमएससी जिस आप लोग अपना करना चाहते हो, या आप गायनिकोलॉजी से करो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ गायनिकोलॉजी की 5 है, ठीक है ना, पीडियाट्रिक यहाँ पे 5 है। इस प्रकार आपने क्या समझा, आपकी यहाँ पे आप लोग दी हुई, आप लोग अपना एक बार डिटेल्स देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोग आपको बता दें गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ पे है, तो आप लोग बोलो सर मेरठ में है। फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे केजीएमयू में भी है, लखनऊ में भी देख सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ की अलग सीट है, कम्युनिटी की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अलग सीट है, केजीएमयू में भी है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ की है, मेडिकल सर्जिकल है, मेडिकल सर्जिकल है, कार्डियोवेस्कुलर है, क्रिटिकली है, गायनिकोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, ठीक है ना। ये सारे भी आपको इस बार केजी में भी आपको देखने को मिलेंगे और इस बार केजी में भी आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट सीट है। आप लोग बोलो ओके सर, अगर वैसे जैसे नीचा करके बताने की कोशिश करें, उसके अलावा एलपीएस भी, एलपीएस में भी इस बार आपको एमएससी नर्सिंग में आपको सरकारी सीट देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल की यहाँ पे आपकी 20 सीट है, ठीक है। एस जी पी जाई की भी आपको इस बार भी, एस जी पी जाई लखनऊ, उसमें भी आपको देख सकते हो मेडिकल सर्जिकल, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आप लोग सीट एस जी पी जाई में भी इस बार आपको सीट देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको जी एस बी ए में भी इस बार से आपको एम एस सी नर्सिंग की आपकी पढ़ाई यहाँ पे आपकी शुरू है, ठीक है ना। इस बार से कम्युनिटी हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल, मेडिकल सर्जिकल आपका ये गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, इस सारे आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि सर हमारे जी एस बी ए में भी इस बार एम एस सी नर्सिंग की आपकी कोर्सेस स्टार्ट है। साथ ही साथ अब आपको बता दें, आप लोग बोलोगे कि सर एस जी पी जाई में भी आपको कोर्सेस है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग बोलोगे कि सर के जी में भी कोर्सेस है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप लोग बोलोगे सर के जी में भी कोर्सेस है, और उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अगर आपको बताने की कोशिश करें, यहाँ पे एल एल आर ए में भी कोर्सेस है। इतनी चारों आपकी जगह कोर्सेस है। अगर टॉप कॉलेज की बात कर ले तो एक पे हम के जी में को प्रायोरिटी देंगे, दूसरे पे हम एस जी पी जाई देंगे, तीसरे पे हम आपको जी एस बी एम को देंगे, और चौथा पे हम एल एल आर ए मेरठ को हम प्रायोरिटी के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज है तो इनका कोई तो पूछताछ ही नहीं है। चलिए जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए, उनके लिए ढेरों सारा ऑप्शन है, उसमें भी आपको देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट बहुत सारी कॉलेज आपको देखने को मिल चुकी है। अब आप लोग बोलोगे सर इनकी थोड़ा काउंसलिंग डिटेल्स बताइए, चलिए हम आपको उस पर ले चलते हैं। तो चलिए हम आपको अगर बताने की कोशिश करें, यहाँ पे राउंड 1 की आप लोग देख सकते हो, अगर हम पोस्ट बेसिक की बताने की कोशिश करिए, आपको एमएससी की बताने की कोशिश करें, तो आपके आपको बताया कि काउंसलिंग इनकी 4 तारीख से शुरू है, 4/7 से चलेगी, आपको 10 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर जिस दिन आपके कल से अगर आप 500 से अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप लोग उसी टाइम पर आप लोग चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आप लोग 11 तक कर सकते हो, सीट अलॉटमेंट 14 को आ जाएगी, और 15 से 21 के बीच में आप अगर आप लोग जाकर एडमिशन ले सकते हो। जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट होता है, या जिन बच्चों फर्स्ट राउंड में नहीं भाग ले पाते, उनके लिए मॉप अप राउंड एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मात्र 2 ही राउंड काउंसलिंग होगा, और यहाँ पे आपकी इसकी 26 तारीख से आपकी सेकेंड मॉप अप राउंड आपकी स्टार्ट है, ठीक है। और जितने भी बच्चों का सीट मिल जाएगा, उन बच्चों का क्लासेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 अगस्त से आपकी क्लासेस आपकी ये यहाँ पे स्टार्ट है। उसके अलावा भी अगर स्टे राउंड वैकेंसी कराया जाएगा, अगर आपकी सेकंड राउंड के बाद या मॉप अप राउंड के बाद आपकी सीट खाली होती है, तो ठीक है।
चलिए इतना आपको हम आपका क्लियर कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल सर, अब आगे बताइए हमें और कितने कितने हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पैसे देने हैं। तो बाबू रजिस्ट्रेशन जो होगी अटल बिहारी की वेबसाइट पे होगी, जैसे ही स्टार्ट होगी हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल कर लॉगिन कर लेना, आपको वहाँ पे आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कितने पैसा देने हैं, तो 500 रुपये जो आपको देने हैं आपको सिक्योरिटी आपका नॉन रिफंडेबल जो आपकी वापस नहीं होगी, 5000 रुपये सिक्योरिटी फी है जो आपको बाद में वापस हो जाएगी, आपको 5500 रुपये आपको पेमेंट कटवाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, मान लीजिए आपको या तो सरकारी मिली या प्राइवेट मिली, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे आपको 40000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको वो फीस जो होती है 40000 आप जो कन्फर्म कराओगे, हमें आपका पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग दोनों को बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसके बाद आपको फिर पैसे वापस आपको कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में दे दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, यहाँ पे 2000 रुपये जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जो फी है, फिर अगर आप लोग उसके बाद जैसे ही 40000 पेमेंट करके आप लोग अपना कॉलेज आप लोग अलॉटमेंट डाउनलोड करके जाके कॉलेज में जाओगे, तो आपकी जो 40000 तो कॉलेज में आपकी तो कट ही जाएगी फी के तौर पे, लेकिन फिर भी आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम पर भी फिर आपको 2000 रुपये की आपको चलान आपको ये पेमेंट आपको कटवाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया है कि यहाँ पे कि कोई भी डायरेक्ट एडमिशन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, इसलिए आप लोग गवर्नमेंट डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए उसके अलावा होता क्या है यहाँ पे, उसके अलावा हम आपको बता दें, उसके अलावा जब आपकी काउंसलिंग होगी उसी समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए देता है। अगर आप OBC होंगे तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और EWS होंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ EWS वाले भी अपना जल्दी जल्दी आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, चाहे बनवा ही लिए होंगे, और सारे कास्ट सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार के द्वारा आपको सिग्नेचर मोहर होना चाहिए। NCC अगर आप लगाना चाहते हैं तो सी सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक सर्विसमैन भी लगा सकते हैं, या आपको फ्रीडम फाइटर का भी सर्टिफिकेट आप लोग के पास होगा तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, आपकी जो काउंसलिंग अटल बिहारी की वेबसाइट पर होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें आपको क्या क्या पोस्ट बेसिस में अपलोड करने के लिए दिया जाएगा 4 तारीख से, तो आपको 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ GNM का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको GNM का मार्कशीट अपलोड करने के अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये सब भी आपको आपको अगर सब कैटेगरी होंगी तो आपको उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपको 5500 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पे भी इस भी आपको पेमेंट कटवाना पड़ेगा, तभी आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। याद रहे इसमें से आपकी 500 रुपये आपकी नॉन रिफंडेबल है और 5000 रुपये आपके रिफंडेबल है, ठीक है। इतना बात डाउट आपका क्लियर कर दिए। उसके अलावा और ये सब जो जितने सारे आपको जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हैं ये आपके सारे आपका जो आपकी जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद का बात है, तो इसलिए आप लोग अभी इस चक्कर में ना पड़े। हम जैसे ही आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद हम आपको समझा देंगे। अभी आप लोग को हम जितना समझा रहे हैं बस आप लोग उतना आप लोग समझिए। तो आप लोग बोलो ओके सर बिल्कुल, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दें, जो बच्चे का फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाएगा उनके लिए एक मॉपअप राउंड कराया जाएगा, या जो बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है उनको भी मॉपअप राउंड में आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर कर दिए। अब चलिए उसके अलावा इतना हमने आपको आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब चलिए हम आपको थोड़ा MSc नर्सिंग के डिटेल्स पे ले चलते हैं। बच्चों MSc नर्सिंग के डिटेल्स क्या है, वही है आपका MSc नर्सिंग पे भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपकी 4 तारीख से स्टार्ट है, 10 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 11 तक आप लोग की काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, 14 को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, और 15 से लेकर आप लोग 22 तक जाके आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे का फर्स्ट राउंड में MSc नर्सिंग में नहीं हो पाया उनको आपको 26 से आपको यहाँ पे आपको क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर 26 से उनकी आपकी उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग को इस बार कौन कौन सी कॉलेज में MSc नर्सिंग में आपको एडमिशन देखने को मिलेंगे, तो आपको अटल बिहारी में यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अटल बिहारी के जितने भी गवर्नमेंट आप लोग तो खैर लिस्ट देखेंगे, CPGI, KGMU, LLR ये, और आपको LPS में भी इस बार आपको MSc नर्सिंग कार्डियोलॉजी वेस्कुलर कानपुर, उसमें भी इस बार आपको एडमिशन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपको 4 जगह आपको एडमिशन हो गई। साथ ही साथ अगर हम आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पे, उसके बाद अगर हम आपको साथ ही साथ अगर हम आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पे, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, MSc नर्सिंग की भी काउंसलिंग किस वेबसाइट पे होगी, तो आपकी वेबसाइट abbmedu.in पे ही होगी। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और DOB डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। MSc नर्सिंग के बच्चों को बता रहे हैं आपको 10th का डॉक्यूमेंट्स, 12th का डॉक्यूमेंट, या अगर आपने BSc नर्सिंग किया होगा तो BSc नर्सिंग का, या पोस्ट बेसिक किया होगा तो पोस्ट बेसिक का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस 1 ईयर का भी आपको एक्सपीरियंस लेटर भी अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे सकता है। साथ ही साथ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग ये लगाना आप लोग यहाँ पे अपलोड करने को दे सकता है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताने की कोशिश करें आपको भी है 5500 रुपये आपसे भी लिया जाएगा, 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है जो नहीं मिलेगी, 5000 रुपये आपको एडमिशन के बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना डाउट आपका क्लियर कर दिए हम सारे MSc नर्सिंग के लिए बच्चों के लिए आपको बता रहे हैं। तो
तो इतनी सारी प्रोसेस अगर हमने आपको बता दी, साथ ही साथ अगर हम आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पे अगर वे जो आपके जो सीट अलॉटमेंट वाला है, जो आपके फ्रीज और फ्लॉट ए या माँ आपको काउंसलिंग के बाद की बात है, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे, तब तक आप लोग टेंशन मत लें। इसमें भी वही प्रोसेस है कि जब आपको एमएससी नर्सिंग में भी सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको 40,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। साथ ही साथ जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाओगे तो फिर वहाँ पे कॉलेज में भी 2,000 रुपये आपको रिपोर्ट जमा करने पड़ेंगे, तब आपकी एडमिशन होगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए तो ये बात क्लियर कर दिया, साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि जिन बच्चों का एमएससी नर्सिंग में भी अगर हम फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाता है उनको मॉपअप राउंड में मौका दिया जाएगा, मॉपअप राउंड आई मीन सेकंड राउंड में इनके हिसाब से, और साथ ही साथ जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, जो जो भाग नहीं ले पाते हैं, उन दोनों को मॉपअप राउंड में एडमिशन का मौका आपको दिया जाएगा। चलिए ये बात आपका हम सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिए, तो हम लोग 4 तारीख से काउंसलिंग का वेट करते हैं। ओके बच्चे, साथ ही साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर इनकी कंप्लीट सीट मैट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप हमने डिस्क्रिप्शन या कमेंट में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, आप लोग वहाँ से आकर आप लोग अपना क्या कर सकते हो, आप लोग अपना इसका हमसे पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ बाबू अगर आपको बता दे, हमारी कितनी लगातार कितनी सालों के अनुभव है और हमने बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, काउंसलिंग कराया, आप लोग आँख के सामने देख सकते हो यहाँ पे कि GSBM आपका पोस्ट बेसिक में भी हमने पिछला बार कितने बच्चों को भेजा, हमने एमएससी नर्सिंग में भी हमने कितना बच्चों को भेजा है। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज पिछला बार केजी में भी। इसलिए अगर आपको काउंसलिंग में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, या हो सकता है अगर आपको काउंसलिंग में आपको आपके आपको अगर आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हो, तो आप जो इस आप लोग तो जानते ही है मेरा चैनल, यहाँ पे आप लोग को जो नंबर दिखेगी आप इस पे याद से, हम आपको पता है हम फोन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मे भी अगर आप इस नंबर पे सेव करके आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पे आप लोग अपनी काउंसलिंग का डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हो, अगर आपको जो जानकारी चाहिए, या अगर आपको काउंसलिंग भी आपको लगता है कि सर हमारे लिए बेटर काउंसलिंग कर सकते हैं, अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की इच्छा है या आपको प्राइवेट में भी टॉप की इच्छा है, आप हमसे जरूर सहयोग ले सकते हो, हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। याद से आप हमें कॉल करने की कोशिश ना करें, सिर्फ आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे और जितना कोशिश करेंगे कि हो सके जितना से ज़्यादा आप लोग की हम मदद कर सके। ठीक है, तो इस नंबर को आप लोग सिर्फ मैसेज कर सकते हो सेव करके। साथ ही साथ जिन बच्चों को काउंसलिंग पे क्या कट ऑफ रहने वाली, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, लेकिन फिलहाल में जिन बच्चों का काउंसलिंग में अगर कोई हेल्प चाहिए, या अगर आपको लगता है कि सर आप हम तो आप बेटर काउंसलिंग कर सकते हैं हमारे लिए, तो बिल्कुल हम उनका काउंसलिंग कर देंगे, या जिन बच्चों को और कॉलेज का डिटेल्स भी बनवानी है, वो वे बच्चे हमसे या इस पे मैसेज करके अपनी कॉलेज अपना टॉप प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट बनवा सकते हैं, या एमएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक हो, या अपना या कॉलेज का लिस्ट हमसे बनवा सकते हैं, या अगर चाहेंगे तो बच्चे का काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा कर दी जाएगी। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस नंबर पे जिन बच्चों की आवश्यकता होगी वो जरूर अपना अपना कुछ पूछ लेंगे। ओके बाय बच्चों, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।